Mirror integer. Wait. Wait. Guys, हम जैसे छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर या छोटे छोटे यूट्यूबर का ना जो फॉलोअर्स होते हैं, उन फॉलोअर्स का कुछ ऐसे हरकतें ना दिल छू जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये एक नोट है, एक फैन ने दिया हुआ नोट। थोड़ा दूर आ जाता हूं, नहीं तो आप पढ़ लोगे। तो ये एक फैन ने, एक मेरा फॉलोअर है जो इस नोट को मेरे बाइक में चिपका के गया था। अब सोचिए इस नोट में क्या लिखा हुआ है, आपको ब्लॉग में आगे दिखेगा। मेरा फोटो है, देखिए साइन है उसका, मतलब ये देखिए साइन आपको दिखा देता हूं, ये देखिए साइन। तो ये कौन है, ये आपको आज मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और साथ में हम लोग आज के ब्लॉग में देखेंगे कि मिजोरम में आइजोल के आइजोल से मतलब कहाँ कहाँ हम लोग घूम सकते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। देखिए हम लोग अपने दोस्त से मिलने गए थे मिजोरम में, तो हमने कहीं पे इतना ज़्यादा घूमा नहीं, मगर इस ब्लॉग को देखने का पर्पस, एक इन्फॉर्मेशन देना आप लोग को ज़रूरी है कि आप लोग आइजोल से कहाँ कहाँ जगह घूम सकते हो। क्योंकि हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे, हम लोग का जब रिटर्न टाइम आ रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग क्यों घूमने नहीं गए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा आइजोल से इन मिजोरम आप लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हो। चलो पहले पहुंचते हैं मिजोरम के आइजोल कैपिटल में, और ये जहां पे लगा हुआ है वहां पे पहुंच के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट पेशेंट गर्ल, गुड गर्ल, समय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू वन आस्क मिस गाइस चैनल। मैं हूँ आइजोल में, मिजोरम में, और आज हम लोग जाएंगे ओके नाम स्पेलिंग आप लोग देख लेना। यहाँ पे पार्किंग का भी बहुत इशू है, तो हमारा बाइक हमारे दोस्त जो रसल है, रसल का एक प्राइवेट पेड पार्किंग है, वहाँ पे पार्क करके रखा है। जैसे मैं अपने बाइक की तरफ गया था, मुझे एक बहुत ही एक जेस्चर वाला कुछ मिला, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो मेरे बाइक में किसी ने ये चिपका के गया है। दिस इज अ वेरी वार्म थिंग, आई डोंट नो क्या ही बोलूँ मैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वन एसएमएस गाय चाओ सुरेंग राजकुमार, आई नो यू फ्रॉम लास्ट ईयर्स एमसे रालते यूट्यूब चैनल उमलिंगला राइट वीडियो, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस देयर, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी योर बाइक इन आवर गराज व्हेन आई वॉज टर्न होम यस्टरडे इवनिंग फ्रॉम आवर ऑफिस, आई डोंट नो वेयर यू आर स्टेइंग लास्ट नाइट, If you have a sticker, please drop 4 stickers under my Royal Enfield seat next to your bike. I will be happy. I wish you to have a happy ride. Thanks for visiting Mizoram. God bless. God be with you. Fella Kumar. Kumar. थोड़ा pronunciation में problem हो सकता है. That's his bike, but I don't carry any stickers and all. But I will definitely, if he's a animal friendly guy, then I will definitely love to put some reflective collars in his bike so that he can also put the reflective collars. किसी को भी अगर उसके घर में भी dogs हैं तो वो अपने dogs को ये reflective collars लगा सकते हैं। I am carrying this, थोड़ा सा dirty हो गया, मेरे bag में भी बहुत सारा है, I'm just carrying this, तो ये इसको थोड़ा सा मैं दे के जाता हूँ। And I think इस इंडियन भाई साहब का नंबर भी मिल जाएगा मुझे, He might be watching your stories. Maybe you can upload it in the stories. Yeah, I think I should do that. So that's it. I think this guy, Mr. Tara, se hum mile and milne ka to man hai. Dekhte hain abhi kaise mil paate hain. We will come back here. Probably I will leave my number somehow and then अगर contact हो पाता है तो मिलेंगे, right? चलो यहाँ से निकलते हैं। Well, plan तो हमारा रायक जाने का था, जो कि आइजोल से 28 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। But unfortunately, guys, I'm not sure if हम लोग रायक जा पाएंगे कि नहीं, because बेला का सीट का ना थोड़ा सा ये जो नट्स है ना, ये बहुत ही लूज हो गया है, जरा शेक होने से ये निकल के आने का चांसेस है, मतलब ये 2-4 बार निकल गया, ये तो पूरा
प्ले हो गया है, ये देखिए, ये ना ये बिल्कुल लूज़ हो गया है, यही खाली एक नट है जो बिल्कुल टाइट से लगा हुआ है, बाकी ये सब लूज़ हो गया है। तो ज़रा जर्किंग जब होता है तो ये सीट ऐसे जर्क होने से तो ये निकल के बाहर आ जाता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। अभी हम एक वेल्डर के पास जाएंगे, इसको फिक्स करेंगे, अदरवाइज लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। अभी तक कुछ खाना खाने के लिए रुके हैं। ओके दोस्तों, मैं जा नहीं पाया तो क्या हुआ, आपको तो इस वीडियो से आइडिया दे ही सकता हूँ कि राइक कितना खूबसूरत है, और ये हमारा फूटी किस्मत है कि हम वहाँ जा नहीं पाए। आइजोल से 28 किलोमीटर दूर राइक एक पहाड़ और एक टूरिस्ट स्पॉट है। ये आइजोल से 1465 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है और आसपास के वैलीज और हिल्स का दृश्य प्रस्तुत करता है। ऑन अ क्लियर डे द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश कैन बी सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। राइक हिल इज सराउंडेड बाई थिक लश ग्रीन टेम्परेट ट्रीज एंड बुशेस। राइक में एक टिपिकल मीजो विलेज है जिसमें डिफरेंट मीजो सब ट्राइब्स के डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशनल हट्स, मीजो सरदार का घर, एक बैचलर्स डॉर्मिटोरी और एक विदो का छत्रवास मिजोरम के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाए रखा गया है। द हाउसेस आर फुल्ली फर्निश्ड, गिविंग द विजिटर अ पीक इनटू द ग्लोरियस पास्ट ऑफ विजिलेंट हाइलैंडर्स। आधुनिक विकास के साथ तालमेल रखते हुए मीजो मॉडर्न हाउसेस में हुए बदलावों को दिखाने के लिए पास में कुछ मीजो आधुनिक घरों का भी निर्माण किया गया है। डिपार्टमेंट के पास एक कैफेटेरिया और एक रिजॉर्ट भी है जो अच्छा भोजन और एकोमोडेशन प्रदान करता है। दिस इज ऑल्सो द वेन्यू ऑफ द एनुअल एंथोरियम फेस्टिवल जो सितंबर में होता है, एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट वुड बी इन अप्रैल। अगर आप मेरा इस वीडियो को देख के जाते हो तो आप राइक में कैंपिंग करना और सुबह सनराइज देखना मत भूलना। आपको ऐसा लगेगा कि आपने आज तक इससे अच्छा सनराइज कहीं नहीं देखा है। मजा आया? चलो आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आपको पता चली गया कि बेला का सीध थोड़ा सा लूज हो गया है, तो मैं गया एक वर्कशॉप में बेला का सीध ठीक करवाने। आइजोल में अगर आप बाइक लेके जाते हो और कुछ कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो तो यहाँ बहुत गराज है। एवरी शॉप कैन कस्टमाइज योर बाइक एज पर योर रिक्वायरमेंट, नॉट जस्ट बाइक बट ऑल्सो कार्स। अब इस जिप्सी को ही देख लीजिए। मेरा बाइक को वेल्डिंग करने के लिए आया था यहाँ पे, एंड दिस इज द पार्किंग लॉट ऑफ ब्रसेल्स पार्किंग डॉट। वी गॉट टू सी दिस जिप्सी, बहुत ही सुंदर तरीके से बना रहा है अभी इसको बैंड करके ना, लेकिन क्रेजी बनने के बाद मजा बन जाएगा। टायर वायर तो बहुत मस्त लगा हुआ है, फिनिशिंग के बाद इट विल बी क्रेजी। नाइस, फुल फिनिश हो जाने के बाद मजा आएगा। ये देखिए, ये एक स्कूटी का पार्ट है जहाँ पे नंबर प्लेट लगता है, यहाँ पे ये लाइट्स लगाया गया है। अरे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इफ यू गाइस कम टू मिजोरम स्पेशली इन आइजोल, आइजोल में कस्टमाइजेशन, मोटरसाइकिल कस्टमाइजेशन खतरनाक हो रहा है। बहुत ज़्यादा शॉप्स है, बहुत मस्त कस्टमाइजेशन रहता है। मेरा एक छोटा सा काम जो बहुत जगह में कर नहीं पाया, हमारे ये भाई साहब ने आज कर दिया है। आपका नाम क्या था? अली। अली भाई ने मेरा काम मस्त कर दिया, ये इतना हिल रहा था ना, अभी पूरा फिक्स कर दिया। ये तो छोटा मोटा काम है, तो फिर भी यहाँ पे देखिए एक छोटे छोटे ऐसे गैराजों में ना बहुत ऐसे ऐसे ये कौन सा सीसी का बाइक है? ऐसा छोटा गैराज में पूरा कस्टमाइजेशन चला है। मतलब आइजोल में आपका अगर बाइक का कुछ प्रॉब्लम है ना, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जो छोटे छोटे चीज़ बहुत जगहों में नहीं होता है, आइजोल में हो जाता है। ये इस तरह की ये निंजा पड़ा हुआ है, मतलब अलग 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 बहुत सारा है। और इस वाले बाइक पे, इस वाले स्कूटी में, हाँ स्कूटी में ये वाला ये फॉग लाइट लगे, वो आप लोगों को दिखा तो नहीं पाऊंगा, इसको लगाने में टाइम लगेगा। बट यस, इफ यू एवर कम टू आइजोल, तो यहाँ पे बाइक कस्टमाइजेशन का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो, और आप लोग मतलब जो भी डिज़ाइन चाहते हो ना, वो लोग बना के दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे टू व्हीलर्स बहुत चलता है। व्हीकल ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, नया नट लगा दिया है, अभी इसको लगाया जा रहा है, और सीट का दूसरे साइड में जो लूज था उसको भी फिक्स कर दिया है, तो इट्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड। अभी चला के देखेंगे तब पता चलेगा। बाइक चला के देखा एंड इट वाज ऑल गुड। फिर बाइक चलाते चलाते हम पहुंचे मेरा एक फेसबुक फ्रेंड से मिलने, हिज नेम इज़ पी सी।
पीसी ब्रदर का भी एक बाइक गियर्स एंड एक्सेसरीज का शॉप है, लेट्स चेक दैट आउट। सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी गाइस, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रिप में मेरा इंस्टा 360 का कवर में काफी स्क्रैच आ गया। हाय, सॉरी आई कुडंट गेट यू एनी चॉकलेट्स। दैट्स पीसी, दैट्स ब्रदर फ्रॉम अगेन अनदर मदर, फ्रॉम अनदर मदर, एंड वी हैव बीन चैटिंग ऑन फेसबुक मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम, बट फाइनली गॉट टू मीट PC, and this is his workshop by the name of Old School Motorcycle. Old School Motorcycles. If you are in Mizoram, you can come here, you can get your shops. मतलब कोई भी काम है, you can customize it. Say, this is RS135 on customization. It's okay. Brother Ralde was there. Yeah. He brought me here. And yes, I have some dinner also at his home. Today I'm gonna meet his father as well. Yeah, customization bike. मैंने ग्रिप टायर ग्रिड नाइस, हाँ दैट सम पॉलिशिंग गोइंग ऑन, वेरी नाइस। वेरी नाइस, दैट्स ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल दैट एंड दैट्स वेयर यू कैन गेट सी दैट्स द इंस्टाग्राम हैंडल यू कैन सी एंड दैट्स द फेसबुक हैंडल दैट्स द व्हाट्सएप नंबर। You can come here and do whatever thing you want. We had a great time. कुछ देर हमने गॉसिप किया and Matchless Motorcycle Club का बहुत सारे क्लब members आए हमसे मिलने। MS, PC and the rest of the guys you can see in the photographs are all from Matchless Motorcycle Club. क्योंकि आज हमारा last day है तो हमें MS ने फिर से अपने घर पे dinner के लिए बुलाया। जैसे ही हम MS के घर पहुंचे, his family welcomed us with a gift. We are going to give you for remembrance gift. Yes. Okay. Thank you so much. Sam, come. Sir, no. That's a beautiful gift from Brother Ralte and his family. What do you say this? Ipte. Ipte. And it's Ipte. Handcrafted. Yes. Right. Very beautiful. Now I can always have this on my side, like a pouch, side pouch. Yes. And yes, do you have anything to keep in your bag? No, I don't have anything. You want to use these or this? I will use both. Yeah. Thank you so much. Welcome. Yeah, we are here again for dinner. Yeah. Yeah. For the second time. Mizo ipte chai. We call. Mizo? Mizo ipte chai. Mizo ipte chai. 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 Okay. Right. But I will forget after 2 minutes. See, I will not mention what I'm eating here, but yes, chicken is there. Yes. And again, I forgot. My pole, dal, alu. Bean, this is exclusive. Yes. This is dry fish chutney. And this is bamboo shoot, right, with rice. So, we're just gonna hog. खाना खाने के दौरान जनरली मैं वीडियो नहीं बनाता, बट माई फ्रेंड्स कंप्लेन्ड दैट खाना खाने के टाइम पे वीडियो बनाया कर। वेल, खाना खाते खाते हमने क्या बात किया अगर आपको सुनना नहीं है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। मणिपुर आल्सो यूज्ड टू हैव, या यस, मणिपुर लॉट ऑफ पीपल एंड नागा, तो विदाउट बैम्बू शूट दे वोंट ईट एनीथिंग, यस, इवन इन दाल आल्सो दे विल पुट बैम्बू। यू ईट लॉट्स ऑफ मसाला? नो, वी डोंट ईट. Okay, we eat most boiled. All right. I thought that you eat a lot of masala. No, in Assam, very less. Assam or Delhi, that's why we are. Delhi they eat. Delhi they eat. But in Assam, mostly we eat the king chili, no? Mm. That is the only thing that we use for spiciness, mostly. Mm. Sam, in Assam, which state, village are you staying, or town are you staying? I am from Golaghat. Golaghat. That is on the way to his home. Okay. Mm. So we'll reach Golaghat first, then Jorhat, then Sipsagar, where any army is happening, and then Dibrugarh, which is his. But I stay in Gohan. When you go back, you are planning to go with his town? Yes. Okay. Firstly, we'll go to Gohan, you know. Okay. We'll meet you there in Guwahati. We will. Okay. Yeah, we'll meet in Guwahati. If you need anything in Guwahati, contact him. You call me. He's always there. In Sipsagar also, I have nothing much to do. I don't drink.
Oh, hold the board. It's okay. We'll roam around here. Yes. He also doesn't drink, no? Yeah. He'll be there. I'll drink. One or two. Yes. Very less. Not much. He just gives us company. Otherwise, even if I don't give this, I'll be bored. Chayan, Trinan from Jorhat? Yes. Okay. He has his wedding, no? You have met him? Yes. You have to help with him. Main man, he. Radha. He's the main man. I was giving them the orders. Do that, do that. Yeah, yeah. Because I was with Bela now. And these guys were. He, Bhargav, Prakash. Saurabh. Everyone, Saurabh. They are really tough, no? It's on? Okay, guys, so in the morning, while in the parking lot, I have found this on my bike. And it's written MSA Ralte, that's him. And if the guy who has put this on my motorcycle, if you're watching this, we are really thankful that you have put this note on my bike. It really means a lot. And we both want to thank you for this. You both watch our videos. And I'm really thankful, man. I don't know how to thank you. He literally wrote it, took photographs, printed it out, and it put it in my. I have no words. His what name is Philip Mar. Philomar, okay. Yes, Philomar. So if you're watching, then we are really thankful that for this such a great gesture. Anyway, thank you. MS के घर पे डिनर के बाद हम सीधा पहुंचे रसल के घर. As it is our last day in Mizoram, हम रसल के घर पहुंच के अपना लगेज रेडी किया. Because अगले दिन we have to ride from Aizawl to Guwahati. Aizawl to Guwahati है 466 किलोमीटर, जिसमें सिलचर पार होने के बाद बैड पैच भी इंक्लूडेड है. एक बार सब कुछ पैकिंग होने के बाद आई, तारिक एंड रसल गैदर्ड इन रसल्स किचन फॉर वन लास्ट टाइम. आज सुबह कितने बजे निकलेंगे हम लोगों को पता नहीं है. सो वी आर जस्ट क्लीनिंग आवर हेलमेट्स एंड गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी बिफोर वी मूव आउट फ्रॉम रसल्स प्लेस. हम लोग रालते के घर में जाके अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह होस्ट किया. फिर वापस आ गए. देखिए अभी वहाँ पे खा के आया, पर रसल भी यहाँ पे बना के रखा था बहुत सारा खाना. देखो मैं बहुत ज़्यादा फुल खा नहीं पाऊँगा, ये लोग खाएंगे. बट बिफोर वी लीव वी हैव सम अरेंजमेंट्स टू बी डन एंड टुमारो फिर से कल एक बहुत लंबा सफ़र है. गुवाहाटी तक कैसे जाएंगे पता नहीं. आई एम जस्ट वरीड अबाउट बेला. बाकी हम टीम तो राइड कर ही लेंगे, इतना टेंशन नहीं है. एंड बाइक भी ठीक कर लिया. मैं बस आज के लिए इतना ही. कल सुबह बहुत लंबा राइड होगा, दिखा दे जाएंगे. तो बाय, टेक केयर, गुड.